अस्सलाम वालेकुम, अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे यूएई के और सऊदी अरब यानी मिडल ईस्ट के व्यूअर्स ये बात जानते हैं कि जब से मैंने पाकिस्तान के सियासी दाखिली मामलात पर वीडियोज़ अपलोड करना शुरू किए हैं, तकरीबन इस बात को अब 2 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने ये अर्ज किया था कि जब भी मिडल ईस्ट के हवाले से कोई अहम इशू सामने आएगा, यूएई, कतर, सऊदी अरब, बहरीन वगैरह वगैरह, तो वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। इस वक्त मेरे सामने एक वार्निंग है जो बुनियादी तौर पर शारजा के हुकाम की तरफ से ये वार्निंग सामने आई है। मौजू अहम है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि गैर मुल्की हैं और यूएई में क़याम पज़ीर हैं। सोच रहा हूँ कि एक दो और भी इश्यूज हैं उनको भी इसी वीडियो में समो दूँ, लेकिन फिर मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादती हो जाएगी, वीडियो तवील हो जाती है, आप लोगों के पास शायद इतना वक्त नहीं होता, आप छोटी वीडियो को आप तरजीह देते हैं। बहरहाल मामला ये है कि आप जानते हैं कि यूएई में बहुत से पाकिस्तानी, इंडियंस, जितने भी एक्सपैट्स हैं, यहाँ तक कि अमराती भी, लेकिन मैं इस वक्त एक्सपैट्स की बात करूँगा, वो अक्सर, ये मैं वार्निंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो अक्सर जब मोबाइल फ़ोन के लिए सिम खरीदते हैं अपने नाम पर, अब मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पर एक शख्स कितनी सिमें खरीद सकता है अपने एमिरेट्स आईडी के ऊपर। ये आम लोगों के लिए ये बात मैं अर्ज करना चाहूँगा कि जब आप बतौरे विजिटर वहाँ पर जाते हैं यानी विजिट वीज़ा पर जाते हैं, तो आपको 2 या 3 दिन के लिए एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के काउंटर से ही आपको एक मुफ्त सिम दे दी जाती है डू कंपनी की, और वो 2 दिन चलती है। उस पर आपको 4-5 मिनट होते हैं, आप किसी को कॉल कर सकते हैं, कोई आपको कॉल कर सकता है, लेकिन उसके बाद उसको 3-4 दिन के बाद ब्लॉक कर दिया जाता है। ये सिम मुफ्त फराहम की जाती है। उसके अलावा अगर आप फिर उसमें अगर आप बैलेंस डलवाना चाहें तो वो नंबर शायद जब तक आपका वीज़ा होता है उस वक्त तक, यानी 1 महीने तक अगर आपका वीज़ा है तो 1 महीना वो सिम वैलिड रहेगी, अगर 3 महीने का वीज़ा है तो 3 महीने सिम वैलिड रहेगी। उसके बाद फिर आपको दूसरी सिम खरीदना पड़ती है। बुनियादी तौर पर यह है कि सिम का बेजा इस्तेमाल ना हो, लेकिन अगर आप वहां की परमानेंट सिम खरीदना चाहें तो उसके लिए आपका रेजिडेंट होना लाजमी है, और वैसे आप सिम नहीं खरीद सकते। तो आमतौर पर होता यह है कि कोई भी रेजिडेंट यानी रेजिडेंस वीजा होल्डर शख्स जो है वो अपने नाम पर सिम निकलवा के अपने किसी भाई को दे देता है, किसी बहन को दे देता है, अजीज रिश्तेदार को, किसी दोस्त को भी दे सकता है। अब सच बात बताऊं तो मेरे पास खुद भी एक सिम है यूएई की जो कि मेरे नाम पे नहीं है, लेकिन यह है कि मैं तो उसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करता हूं, इवन पाकिस्तान में भी इस्तेमाल करता हूँ लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मेरी यूएई से अक्सर कॉल्स आती हैं, क्योंकि मुझे रोमिंग चार्जेस पड़ते हैं, लेकिन वो मेरे लिए ज़रूरी है। अलबत्ता ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जब वहाँ से आते हैं तो या किसी भी वजह से या वहाँ पे रहते हैं, वो अपनी सिम किसी दूसरे को दे देते हैं या अपने नाम पर एक और इजाफी सिम निकलवा कर किसी दूसरे शख्स को दे देते हैं। अब जो शारजा के हुकाम ने जो खबरदार किया, जो वार्निंग दी है, वो ये है कि अच्छा, इस वार्निंग का मैं जिक्र जरूर करूंगा, आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि अपने नाम पर सिम किसी को खरीद कर देना यह दुबई या यूएई के कानून में जुर्म नहीं है। इससे आप मुश्किल में आ सकते हैं। ये वार्निंग उसी मुश्किल के हवाले से, वार्निंग क्या है कि जनाब, अगर आपकी सिम आपने जिस शख्स को दी है वो सिम किसी जुर्म में इस्तेमाल होती है, चोरी, डकैती, मनशियात फरोशी, कोई भी जुर्म, यहां तक कि वो सिम इस्तेमाल होती है, वो शख्स किसी को कॉल करके धमकी देता है, वो शख्स किसी के को ब्लैकमेल करता है, या वो शख्स उसी सिम के जरिए ट्विटर का अकाउंट बना लेता है, व्हाट्सएप का अकाउंट बना लेता है,
कोई और अकाउंट बना लेता है, आपको तो पता है, आप तो उसके लिए भी आपको नंबर देना पड़ता है, फेसबुक का अकाउंट बना लेते हैं, वहां पर वो कुछ दो नंबर ही करता है और पकड़ा जाता है। तो वो सिम क्योंकि आपके नाम पर इशू हुई है, तो लिहाजा वो जुर्म जो है वो आपका जुर्म तसव्वुर होगा उस वक्त तक जब तक के आप ये साबित नहीं कर देते, या वो शख्स पकड़ा जाता है वो इकबाल जुर्म नहीं कर लेता, एतराफ नहीं कर लेता। मिसाल के तौर पर मैं, ये बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी ही खतरनाक बात है। मिसाल के तौर पे एक शख्स को किसी दूसरे शख्स ने अपने नाम पर निकलवा कर सिम उसके हवाले कर दिया, सिम उसके हवाले हो गई, सिम वो इस्तेमाल कर रहा है, फोन नंबर वो इस्तेमाल कर रहा है। अब खुदा न खास्ता वो शख्स UAE में, शारजा में, दुबई में, अबू धाबी में, किसी भी जगह कोई जुर्म करता है, वो जुर्म किसी भी नवयत का हो सकता है, और वो जुर्म करने के बाद वो सिम जो है वो जाया कर देता है या अपने साथ ले आता है, अपने मुल्क चला जाता है वो जुर्म करने के बाद। अब वो ट्रेस हो जाती है वो सिम, वो नंबर ट्रेस हो जाता है, जाहिर है उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो इसको फौरी तौर पर ट्रेस कर सकते हैं। तो वो जब ट्रेस होगी तो आपके नाम पे सिम निकली हुई होगी, अब वो शख्स UAE में मौजूद नहीं है, तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी होगी, आप उस शख्स को कैसे गिरफ्तार करवाते हैं, वरना वो ये कहेंगे कि जनाब ये जुर्म आपका है। लेकिन अगर वो UAE के अंदर मौजूद है और पकड़ा जाता है और वो एतराफ करता है, हाँ जी मैंने इसकी सिम इस्तेमाल की है, तो फिर आपकी जान छूटेगी। लेकिन जब तक ये सारा मामला तय नहीं होगा उस वक्त तक आप सरकारी मेहमान रहेंगे, ये आपके जहन में होना चाहिए। इसलिए अगर आप पाकिस्तान आते हैं या आपके पास एक सिम है, पहले तो ये है कि आप अपनी इजाफी सिम किसी के नाम पर मत दें। दूसरी बात ये है कि अगर आप वहां से आते हैं तो आप अपनी सिम किसी को देकर मत आए, आप उस सिम को जाया कर दें, काट के दो हिस्सों में फेंक दें कहीं पर, या उस कंपनी को जाके वापस कर दें कि ये लें। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि आप उस सिम को जाया कर दें, वरना आपके लिए बहुत मसाइल पैदा हो सकते हैं। आप यकीन कीजिए, ये बजायर एक बड़ी मामूली सी बात आपको महसूस होती होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। और मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ, अब पाकिस्तान के हालात आप देखिए, पाकिस्तान में तो सिम लेना आम, और पाकिस्तान में पता है किस तरह सिम इजाफी सिम ली जाती है, आम तौर पर नाखानदार यानी जो अनपढ़ खवातीन बेचारी बुजुर्ग जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो किसी जगह किसी काउंटर पर सिम खरीदने जाती हैं किसी परचून फरोश के पास। आपने देखा होगा पाकिस्तान में जगह जगह हर दुकान खोखे के बाहर सिम फरोख करने वाले, सिर्फ आपको बायोमेट्रिक ये अंगूठा लगाना पड़ता है। अब होता क्या है वहां पे, मैंने खुद देखा है कि वो बेचारी अनपढ़ सादा सी औरतें आती हैं, ज्यादातर औरतों के नाम पर या इवन मर्द भी, तो वो अपना अंगूठा लगाती हैं। अब वो उसकी तस्दीक हो जाती है एक नंबर की, तो उसके उसे वो पैसे लेके तो वो कहता है कि खाला जी, वो बाजी, अपा जी, बहन जी, वो सारी जी, आपका अंगूठा सही नहीं लगा, दूसरी मरतबा लगा रहे। अब दूसरी मरतबा वो दूसरी सिम निकाल लेता है, उसके पैसे नहीं लेता खातून से, वो सिम आगे 1,000, 2,000, 3,000 रुपए में फरोख कर देता है। अब उस बेचारी खाला जी को, आपा जी को, बहन जी को पता ही नहीं है कि उसके नाम पे उस बंदे ने 2 या 3 सिमें निकालनी है, उसको ये झांसा दिया है कि जनाब उसका पहला अंगूठा दुरुस्त नहीं लगा। अब उन लोगों को क्या पता है बायोमेट्रिक, ये किसी समझदार इंसान के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। बहरहाल इस मामले में एहतियात करें कि वहां की गवर्नमेंट ने यह कहा है कि इस मामले में जिस शख्स ने सिम अपनी निकलवा के किसी दूसरे को दी है, असल जिम्मेदारी किसी भी जुर्म की उस शख्स पर आयद होगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।